We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. कोरोना वायरस का कहर थमने का नहीं ले रहा है नाम। हर रोज कोरोना मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है तेजी से। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,43,57,067 मामले आ चुके हैं सामने। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 33 लाख के पार। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75,760 नए मामले आए सामने। 1,023 मरीजों ने कोरोना से तोड़ा दम, तो वहीं 56,013 मरीज हुए डिस्चार्ज। कोरोना से मिसगैरेज होने का देश का पहला मामला मुंबई से आया सामने। मुंबई में बतौर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाली महिला की वायरस का संक्रमण हुआ। संक्रमण भ्रूण तक पहुंचा और महज 13 हफ्ते के भ्रूण की हुई मौत। कांग्रेस ने 5 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। कमेटी मोदी सरकार की तरफ से लाए गए ऑर्डिनेंस पर पार्टी का रुख करेगी तय। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, अमर सिंह और गौरव गोगोई इस कमेटी के हैं सदस्य। कमेटी का संयोजक बनाया गया जयराम रमेश को। टीम इंडिया के कप्तान जल्दी बनने वाले हैं पिता। विराट और अनुष्का ने इंस्टा पोस्ट और ट्वीट कर दिए जानकारी। पोस्ट में लिखा, जनवरी 2021 में हम 2 से हो जाएंगे 3। सोनी टीवी का पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति 12 जल्दी हो देने वाला है दस्तक। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शो को 1 महीने के लिए कर दिया गया था पोस्टपोन, लेकिन अब बिग बी के केबीसी के सेट पर हो चुकी है वापसी। हाल ही में सेट से कुछ तस्वीरें भी आई हैं सामने, जिसमें होस्ट बने बिग बी पूरी सावधानी से शूटिंग करते हुए आ रहे नजर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जो ताम्र पट्टिकाओं का मांगा गया था दान, अब उस पर लगा दी गई है रोक। ट्रस्ट ने यह फैसला किया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं को जोड़ने में उपयोग आने वाला तांबा सरकार की स्टैंडर्ड कंपनी से खरीदा जाएगा। हाल ही में बदले हुए इस फैसले की जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत ने दी राय। अमेरिका में लौरा तूफान के खाड़ी तट से टकराने की आशंका को देखते हुए 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का दिया गया आदेश। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जब लौरा तूफान तट से टकराएगा तो टेक्सास और लुसियाना में तेज हवाओं के साथ साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं, साथ ही भारी बाढ़ की भी दी गई चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से कर दिया है इनकार। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई, तो इसके बाद कोरोना फैलाने के लिए एक समुदाय विशेष को बनाया जाएगा निशाना। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है तनाव। चीन का आरोप है कि अमेरिका के 2 एडवांस्ड U-2 स्पाई प्लेस जो कि जासूसी विमान है, पिछले दिनों चीन की सीमा में घुसकर मिलिट्री ड्रिल को रिकॉर्ड किया था, तो वही दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि जो किया वो हमारा हक, हमने किसी का नियम नहीं तोड़ा। We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.